हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से बहुत ही टेस्टी मिठाई अलग तरीके का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बचे हुए चाशनी लिया है, जो कल हमने गुलाब जामुन बनाया था उसका चाशनी जो है बच गया था, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने सूजी और दूध लिया है, पैन को गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध को हम उबालन तक पकाएंगे। तो ये देखिए, दूध में हमारा हल्का उबाल आ रहा है, तब इसमें हम सूजी को डाल देंगे। जितना हमने सूजी लिया है उससे डबल दूध लिया है। इसको अच्छे से हम पकाएंगे, मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। लगातार चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको अच्छे से हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे। तो सूजी जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। गैस को हम बंद कर लेंगे। सूजी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इस पर हम चाशनी को रख देंगे। चाशनी को हम उबाल आने तक पकाएंगे। चाशनी ठंडा हो गया है तो उसको गर्म करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने दूसरे बर्तन में घी या तेल लगा करके सूजी को हम निकाल लेंगे और अच्छे से इसको गूँथेंगे आटा की तरह। हम सॉफ्ट कर लेना है गूँथ करके। चाशनी में हमारा उबाल आ गया तो हम चाशनी को बंद कर लेना है। ज़्यादा उबालना नहीं है, हल्का सा गर्म करना है। ढक देंगे। यहाँ पर ये देखिए, सूजी जो है हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम ये नमकीन बनाने वाला लिए हैं। यहाँ पर हम इसमें सूजी का जो डो है वो उसको डाल देंगे। यहाँ पर हमने खोल लिया है, ये स्टार वाला जो शेप है तो उसको डाल देंगे और इसमें हम सूजी का आटा को डाल देंगे। डाल करके हम बंद कर लेंगे। अच्छे से बंद करने के बाद हम यहाँ पर एक छनौटा लिए हैं, इस पर तेल लगा देंगे और इस मशीन को जो है हम इस तरह से घुमाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से गिर रहा है जलेबी की तरह। तो ये जलेबी का शेप का मिठाई बन गया हमारा, सूजी का और जलेबी की तरह मिठाई बन के तैयार होगा। किसी को यकीन नहीं होगा कि सूजी से बना है। अगर आप किसी त्यौहार में या कोई मेहमान आए तो आप बना सकते हैं घर में आसानी से, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसी तरह से हम बनाएंगे सभी को। तो ये बहुत आसानी से तैयार होता है बन करके मिठाई। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हमने सभी को बना लिया है। अब यहाँ पर हम पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें तेल डाल दिया है। तेल हल्का सा गर्म होने करने के बाद इसमें डाल देना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। तो हल्का गर्म तेल में डाल करके इसको ऊपर नीचे करके हम तल लेंगे। गैस को लो या मीडियम रखेंगे और अच्छे से हम तलेंगे। इसको हम चनौटा से हल्का सा उलटेंगे धीरे धीरे करके।
दोनों साइड हम उलट पलट कर सेकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे तेल से बाहर। तो ये देखिए इस तरह का हो गया है, हल्का लाल कर लेना है। इसे निकाल करके हम चाशनी में डाल देंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारा गर्म है, तो इसमें हम जार डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डाल करके हम ढक देंगे और 10 मिनट बाद हम देखेंगे। तो ये देखिए चाशनी में अच्छे से फूल चुका है। तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। बची हुई चाशनी का मिठाई कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।